बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मायसेल्फ मुनीबा रहमान एंड यू आर वाचिंग कुकिंग इज़ अ पैशन बाय मुनीबा रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ अपना एक डेली रूटीन शेयर किया जाए, एक रैंडम डेट शेयर किया जाए। तो चलिए इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने अपना ये दिन कैसे गुजारा। इरादा था आज कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने का और फॉर दैट रीज़न हम पहुंच गए हैं लकी वन। इस दफ़ा शॉपिंग के लिए मैं अम्मी और अपनी सिस्टर्स के साथ आई हुई थी, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ ले जाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी और कितना इन्जॉय किया, किस तरह से हमने अपना ये डे स्पेंड किया। लेकिन ये होता है ना कि जब आप अपने ऐसे लोगों के साथ होते हैं कि जिनके साथ आपको टाइम का पता ही ना चले, तो फिर कुछ और करने की फुर्सत मिलती है ना, आप लोगों को याद रहता है। तो इरादा तो यही था कि आप लोगों के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों ने शॉपिंग की, क्या ख़रीदा, क्या फ़न किया। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हो नहीं सका, बिकॉज़ वंस जब हम एंटर हो गए तो स्पेशली जब हम एक बुटीक में एंटर हो गए तो उसके बाद जो है वो हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि टाइम किस तरह से गुजरा है और काफ़ी लेट हो गया था। सो जस्ट ये छोटा सा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए एंट्रेंस पे ही शूट किया था एंड उसके बाद जो है वो हम ऐसा मशगूल हुए हैं शॉपिंग में कि बस एक शॉप से निकलते थे और दूसरी में घुस जाते थे, निकलते थे तीसरी में घुस जाते थे और शाम के गए हुए हम लोग जो है वो रात में वापस आए थे काफ़ी थक हार कर, निढाल होकर। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो चलिए दिखाते हैं आपको। घर आने के बाद तो जो हम खाने पीने का सामान लेकर आए थे वो हमने खाना पीना किया, एंजॉय किया, बट जब आप जल्दी खा लेते हैं लाइक 9 बजे तक 9:30 बजे तक तो मार्केट्स बंद हो जाती हैं, सो फिर आधी रात को भूख लगती है। तो मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए हमने बनाया था ये फ्रेंच फ्राइज़। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, माय सेल्फ मुनीबा रहमान एंड यू आर वाचिंग कुकिंग इज़ माय पैशन। तो यहाँ हमने ले ली है फ्राइज़, ऐसा को लगी थी आधी रात की भूख, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। अल्लाह कितनी अच्छी है, ऐसा को लगी थी आधी रात की भूख, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ फ्राइज़। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला, बस आप ही हल्का, बहुत जहरीला हो जाएगा, नमक और ये जरूरत मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि प्रॉपरली सारे मसाले इसके ऊपर कोट हो जाएं। यहाँ पर अच्छे से कुछ रिकॉर्ड करने नहीं दे रही थी ये लड़की मुझे, कुछ भी नहीं, लिटरली। तो क्या क्या रखती मैं, क्या बात हुई, तुम तो प्रो हो, तुम तो आगे रहो, प्रो हो, सो हियर आई एम ट्राइंग टू मेक सूखी फ्रेंच फ्राइज डीप फ्राई करते हुए। आई मीन मैडम की कुछ अनोखी ही ख्वाहिश थी, सो लेट्स सी के एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है और ये डीप फ्राई करते हुए सूखी फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनके तैयार होती हैं। आई वांट टू शेयर वन टिप हेयर, अगर आप कोई भी फ्राइज़ बना रहे हैं जिसको आपने कोट किया हुआ हो तो उसे ऑयल में ऐड करने के बाद फ़ौरन ही स्पून मत चलाइएगा, चम्मच मत चलाइएगा, उसे फॉर अबाउट 2 to 3 minutes कुक होने दीजिएगा एंड देन आप इसमें स्पून चलाइएगा, वरना उसके ऊपर जब ने कोट लगाया हुआ है ना वो रिमूव हो जाएगा। सो हेयर इट इज़, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ और सर्व करके आपको दिखाती हूँ सूखी फ्रेंच फ्राइज़। फ्राइज़ रेडी हो गई थी और उसे मैंने सर्व कर लिया है यहाँ पर आपके सामने है और इसके ऊपर मैं एडिशनल चाट मसाला और ऐड कर रही हूँ एंड लिटरली अगर इस वक्त उसका मुझे देख लेती ना तो उसकी चीखें निकल जानी थी, बिकॉज वो थ्रू आउट द रेसिपी यही शोर मचा रही थी कि आप तुमने मिर्ची बहुत ज़्यादा ऐड कर ली है, बट ऐसा नहीं था।
एंड हेयर यू कैन हेयर के ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। द रीज़न इज़ कि जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप जब इसको फ्राई करने लगेंगे तो आप इसको ऑयल में ऐड करते के साथ ही स्पून मत चलाइएगा, थोड़ी देर उसको पकने दीजिएगा ताकि उसके ऊपर जो हमने लेयर लगाई हुई प्रॉपरली कुक हो जाए, यानी कि उसके ऊपर फिक्स हो जाए, एंड देन जब आप उसको स्पून से चलाएंगे मिक्स करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगी। तो दैट्स इज हमने फ्राइज बनाई थी और उसे रात में इंजॉय किया था, फिर हम सो गए थे। नेक्स्ट नाइट जो है वो हमारा प्लान था मूवी देखने का, और जब मूवी का प्लान होता है तो काफ़ी अहतमाम के साथ आप जब साथ बैठ के मूवी देख रहे होते हैं स्पेशली, तो काफ़ी अहतमाम के साथ आप मूवी को एंजॉय करते हैं। सो हमने चिप्स ले ली थी, जाम का मौसम है तो जाम ले लिया था, और रानी जूस मंगवाया हुआ था सो वो हमने साथ में इंजॉय किया था। सो हेयर इट इज़। अब मूवी कहाँ से देखी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप सबको ये मूवी बहुत अच्छे से याद होगी। सो सोचिए कि हम क्या देख रहे हैं इस वक्त, और ये यहाँ पर हमारा मिडनाइट स्नैक मौजूद है, और हम आज वीकेंड नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय वॉचिंग दिस ओल्डी गर्ली मूवी। तो ये मूवी हमने एंजॉय की, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को इस मूवी का नाम याद होगा, स्टोरी भी याद होगी, क्योंकि ये बहुत से लोगों की फेवरेट मूवीज़ में से एक है। ये अस्का के मैगजीन का फ्रंट कवर था, एंड उसमें माशाल्लाह अस्का की दो डिफरेंट गज़ल शाया हुई, एंड आई एम सो प्राउड कि अस्का लिटरेसी के हर कॉर्नर पर अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव कर रही है। तो सोचा कि उन्हें आप लोग के साथ भी ये शेयर किया जाए। इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रैंडम व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फिया मान।